पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा संथाल परगना के द्वारा सफलतम कार्यक्रम के लिए पहले मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ। हजारों की संख्या में इतना बारिश होने के बावजूद भी खचाखच इंडोर स्टेडियम भर जाना एक सामाजिक संगठन के द्वारा ये निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और इससे ये हम महसूस करते हैं कि यह आंदोलन और आंदोलन का धार गाँव तक पहुँचा है। इसलिए मैं सभी सहभागियों को, सभी सहयोगियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। रह गई बातें कि 99% सफल कार्यक्रम को अंतिम में एक थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ, इसके लिए आयोजक मंडली की ओर से और बींग ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन मैं खेद प्रकट करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 14 नवंबर को इस बार का हम लोगों का कार्यक्रम है, कार्यक्रम था इंडोर स्टेडियम को भरना। अब 14 नवंबर को ये ऑर्गेनाइजेशन गांधी मैदान को भरेगा, ये आपका ऐलान है हम लोगों का। ये संगठन अपनी मांगों को और जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित होना चाहिए था सम्मेलन में वो हो नहीं सका था, इसलिए विशेष करके आज आप तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम लोग बुलाए हुए हैं। हम लोगों का राजनीतिक एजेंडा था, या समझिए कि ये राजनीतिक एजेंडा है और इसी पर हम लोगों का लड़ाई भी है। सबसे पहला एजेंडा है कि जातीय जनगणना करना। हमारा भागीदारी समाज में क्या है ये तो बताओ। जब सरकार पशु की गणना करा सकती है, मुर्गी का गणना करा सकती है, तो भाई आदमी का गणना क्यों नहीं करा सकता है? इसलिए हमारा पहला मांग है कि जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर हो। दूसरा डिमांड हमारा है, आप देखे होंगे कि प्रभात खबर में 23 के अखबार में प्रमुखता से एक अखबार ये आपका आया था, एक वर्डिक्ट जिसमें आया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान सरकार को ट्रिपल टेस्ट कराने का आदेश दिया था। और अखबार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी समाज से कोई जज नहीं है जिनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर सरकार इसको ट्रिपल टेस्ट करे। कारण है कॉलेजियम सिस्टम, जजेज के नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम। तो हमारा दूसरा डिमांड है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करते हुए न्यायिक बोर्ड का गठन किया जाए और उसके माध्यम से जजेज की नियुक्ति हो। हमारा तीसरा डिमांड है कि 1932 का खतियान को स्थानीयता की नीति का आधार मानते हुए उसको नियोजन नीति बनाने के उपरांत नियुक्ति हो। हमारा इन डिमांडों को, ये राजनीतिक प्रस्तावों को, चूंकि कल हम लोग नहीं पढ़ पाए इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे समाज के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये हमारी मांगें हैं। और ये मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है ये समाज अपना हक और हुकूक के लिए लड़ाई करेगी। और ये एक बिल्कुल सामाजिक संगठन है, इसमें किसी भी दल के राजनीतिक इंटरफेरेंस को कालांतर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल अगर ये स्थिति आई तो हो सकता है हम कालांतर में किसी राजनीतिक दल के लोगों को ना बुलाएं। लड़ाई हमारी है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। समाज की लड़ाई है, समाज की भागीदारी है, हम अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे, समाज को जगाएंगे और आदमी की जो इनकलाब की एक कहानी है उसको चरितार्थ करेंगे। धन्यवाद। जी क्या इस ओबीसी समाज में मुस्लिम समाज भी आते हैं? बिल्कुल। तो कल का कार्यक्रम में आपके जितने बैनर पोस्टर थे उसमें मुस्लिम समाज का किसी नजर नहीं आया? आए थे, वो आए भी थे, उन्होंने वक्तव्य भी रखा, एक आदमी ने वक्तव्य रखा। हो सकता है कि उस समय आप नहीं पहुंच पाए होंगे या आपका दृष्टिपात उधर नहीं हो पाया होगा। और चूंकि आप जानते हैं कि मैंने कहा कि भाई 99% इसको हम सफल मानते हैं, 1% में जो व्यवधान आया उस व्यवधान के चलते श्रृंखला में अगले वक्ता को हमको रोकना पड़ा और अध्यक्षीय भाषण देकर उसको समाप्त करना पड़ा। इसी में सर जितने जाति आते हैं उसमें एक भी जिलाध्यक्ष को कल नहीं देते, एक जिलाध्यक्ष नहीं, कई संगठन के जिलाध्यक्ष थे हमारे सामने। उनको ये बात सही है कि चूंकि बहुत
शॉर्ट पीरियड में, चूंकि कार्यक्रम स्टार्ट करते हुए नहीं नहीं वक्ता के सूची में थे लोग, मेरा कहना है कार्यक्रम हो रहा है दुमका में जो मुस्लिम समाज है वो नजर नहीं आए, एक भी मुस्लिम थे ही। और ये आपका इस बात को हम स्वीकार करते हैं बेबाक रूप से कि चूंकि पहला कार्यक्रम हम लोगों का था तो हो सकता है गाहे पिगाहे कुछ कमी रही होगी, कालांतर में इसको हम लोग और व्यापक करने का कोशिश करेंगे। हम लोगों का तो एक ही नारा है, हिंदू हो या मुसलमान सभी ओबीसी एक समान। ऐसा नहीं हो सके, ठीक है, हुआ भी नहीं था और कालांतर में अगर आपको नजर में ऐसा है तो उसको हम पाटने का भी कोशिश करें। नारी लाइफस्टाइल, आईडीबीआई बैंक के बगल में जिलारो स्कूल रोड दुमका, फैशन का है नया जमाना, नारी लाइफस्टाइल एक बार जरूर आना। जब बात बेटियों के कपड़े के कलेक्शन की हो या सजानी हो दुल्हन, तो नारी लाइफस्टाइल ही है एक मात्र सलूशन। हमारे यहाँ सभी साड़ियों के कलेक्शन के साथ दुल्हन सेट लहंगा, पार्टी लहंगा, बच्चों के लिए लहंगा, जेंट्स कुर्ती आदि मिलता है। हमारा मोबाइल नंबर है 7543070067।